प्लांट जीनोम सेवियर कमिटी अवार्ड जो कि 11 नवंबर 2021 को माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नई दिल्ली में रोड़ू के किसानों को दिया गया। इनमें अधिकतर महिलाएं श्रीमती वर्षा शर्मा, लीलावती, मीना कुमारी, दीपना मेहता, इसके अलावा धान एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अजय श्रीवास्तव एवं कृषि विभाग से SMS श्री रामकृष्ण चौहान जी भी शामिल थे। याद रहे ये अवार्ड किसानों को दिया गया सर्वोच्च अवार्ड है जो प्रतिवर्ष पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड दी जाती है जो कि निसंदेह किसानों का उत्साह वर्धक करती है। खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका माननीय निहर सिंह जी का हम बहुत धन्यवादी हैं। इन्होंने इस पूरे रोहड़ू के क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट शिमला में और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा काम इन्होंने किया है जो कि किसानों को आगे चलकर करना होगा। इन्होंने, हाँ जी, एक ऐसा काम किया जो कि प्रेरणा का काम है, दूसरों को प्रेरणा देने का काम है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने और भी किसान हैं। हमारे यहाँ पर कई ऐसी भांत भांत की फसलें हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बहुत जरूरत है, और और इनकी पहचान इस वजह से है कि इनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो जो हरेक आदमी को चाहिए। अब जैसे, अब आप जैसे ये सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों को जैसे आयरन की कमी हो जाती है, महिलाओं को आयरन की कमी होती है, हमारे यहाँ जिंक की कमी होती है, तो आयरन किसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे अगर आयरन की गोली खानी हो तो उसका एक गलत असर भी हो सकता है, या भूल भी सकते हैं खाना उसको, है नहीं? हाँ। और खाते भी नहीं है लोग, अगर डॉक्टर लोग बोलते हैं तो खाते भी नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो लाल धान जो है, ये एक ऐसी नियामत, ऐसी नियामत प्रभु ने आपके क्षेत्र में दी हुई है जो जिसमें प्राकृतिक रूप से ही उसके अंदर जो है वो आयरन उसके अंदर वो है, वो तत्व उसके अंदर है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, भात बनाना है, खाना है, बस, वो तो सभी खाते हैं। तो लाल भात खाएंगे, लाल चावल का खाएंगे, तो उससे अपने आप जो है वो आयरन की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। जहाँ तक लाल चावल का सवाल है, जो कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1400-1500 साल पहले ही ये उगाया जाता रहा है, जबकि उस वक्त वहाँ भील जाति के लोग और कुल जाति के लोग इसे उगाते थे। उसके बाद आर्य समाज जब अपने अस्तित्व में आया तो यह सारा का सारा एरिया जो है राजाओं के अधिकार में आ गया, और जैसी कि हिस्ट्री बताती है टिहरी गढ़वाल के राजा के अधीन में ये सारा एरिया चावल का आ गया था। जब उन्होंने अपना विवाह, अपनी पुत्री का विवाह वहाँ के रामपुर बुशहर के राजा महेंद्र सिंह से किया, तो उस वक्त इन्होंने यह एरिया भी उनको दहेज में दे दिया। उससे उसी वक्त से ये एरिया जो है राजा महेंद्र सिंह के पास आ गया, और चावल की खेती भी और जोरों शोर से होती रही, और उन्होंने इस चावल को, लाल चावल को, अपने सभा में, अपने खजाने में सोने रूपी रखा और उसको प्रथम स्थान दिया। उसके बाद इनके पोते श्री पद्म सिंह जी ने इसे संभाला, उन्होंने सिंचाई का उपयोग किया और वह लोगों को सहायता की ताकि लोग अधिक से अधिक इस चावल को उगा पाएँ और इसे सुरक्षित रख पाएँ। यही कारण है इस चावल में बहुत सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं, और अगर इसको देखें तो इस चावल में आपके पास बहुत सारे तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि दूसरे चावलों में नहीं होता, और इसी वजह से इसका जो चावल है दूसरे चावल से भिन्न है। ये चावल हम कहते हैं कि बहुत सारे तत्वों को लिए हुए है, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है।
क्योंकि जो पानी चासल खट से आता है, चासल ग्लेशियर से आता है, वो कई तत्वों को अपने साथ लाता है, क्योंकि वो रास्ते में बहुत सारे जड़ी बूटियों के रिसाव से खेतों में पहुंचता है और उसी की वजह से चावल में ये गुण आ जाते हैं। और इसके अलावा जो वहाँ की मिट्टी है, इस गांव की मिट्टी है, वो भी निसंदेह इसमें स्वास्थ्यवर्धक तत्वों को उत्पन्न करती है। तो इस तरह से यहाँ चावल की खेती हुआ करती है और ये सारी खेती जो है पारंपरिक तरीके से होती है। आज भी बैलों से खेती की जाती है, पारंपरिक तरीके से इसे उगाया जाता है और ये चावल निसंदेह विष मुक्त है। अलावा भी किसी और गांव में खेती होती है? तेजा गांव के अलावा और गांव का नाम बताओ। गुम्मा में होती है सर, मसली में, जांगला में, नंदला में सर, और आंध्रा में सर, दगोली, थाना, टोसा। और ये जो धान की बिजाई आप करते हैं लाल धान की, तो इससे पहले इस इन खेतों में